कुरुक्षेत्र पनोरमा विज्ञान संग्रहालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चप्पे चप्पे पर तलाशी में जुटा है बम स्क्वाड। जो राहत की बात, कुछ भी यहां पर आपत्तिजनक नहीं मिला है। यह पुलिस का कहना है कि यह राहत की बात रही कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। बम स्क्वाड जांच कर रहा है और चप्पे चप्पे की जांच की गई। राहत की बात यह रही कि अभी फिलहाल कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं मिला है जिससे संदेह किया जा सके। लेकिन बम से उड़ाने की धमकी जब मिली तो पूरे कुरुक्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया क्योंकि कुरुक्षेत्र पैनोरमा संग्रहालय को बम से उड़ाने की धमकी जब मिली तो पूरा पुलिस विभाग भौचक्का रह गया और हैरान रह गया। और उसके बाद जब जांच की गई तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। ऐसा है, हमारे को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र से। उन्होंने बताया था कि कोई मेल आई है जिस पे कोई प्रॉपर एड्रेस पता नहीं है और उन्होंने पैनिक क्रिएट करने के लिए बोल दिया था कि हमने यहाँ कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं आपके उसमें रख रखी हैं केंद्र में, विज्ञान केंद्र जो है। तो उस कंप्लेंट के ऊपर हमने हमारी टेक्निकल टीमें वहाँ बुला के बम स्क्वाड वगैरह और भी जो टेक्निकल फ्रिस्किंग पूरे सेंटर की गई है और वहाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कोई आपत्तिजनक वस्तु सामान वहाँ नहीं मिला है और पूर्णतः शांति और सुरक्षा बिल्कुल बहाल है। उसकी शिकायत की जांच जारी है। हाँ जी, जो कंप्लेंट हमारे को दी गई है एक बार उसको चेक किया जा रहा है किस तरह की मेल है, कैसे कहाँ से प्राप्त हुई है, वो जांच का विषय किया जा रहा है। हमारे साथ विनोद खुंगर जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, संवाददाता विनोद। अभी फिलहाल राहत की बात तो सामने आई है कि कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, लेकिन अभी भी कार्रवाई जारी है, तलाशी अभी भी की जा रही है क्या बम स्क्वाड की तरफ से, चप्पे चप्पे की निगरानी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र का जो पैनोरमा साइंस सेंटर है वो अपने आप में एक राष्ट्रीय संस्थान है और यहाँ पर यानी कि बहुत दूसरे राज्यों से भी जो पर्यटक है और वो जो साइंस और अन्य जो ऐतिहासिक चीजें वो जानने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो अचानक मेल आई है तो वहाँ प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, तो उसके बाद एक तरह से हड़बड़ाई थी मच गई। और उसके साथ ही क्योंकि पर्यटकों का आना जाना रहता है, कहीं कोई इस तरह से कोई संदिग्ध वस्तु न रखी गई हो, जैसी सूचना मिली तो उसके बाद उसकी पूरी जांच की गई है। और इसके बावजूद अभी पुलिस को इस बात से संतुष्ट रही है कि पुलिस ने जांच की है, पर अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, परंतु फिर भी इसकी अभी भी जांच चल रही है। अभी फिलहाल देखिए, ये जो पैनोरमा सेंटर है ये अभी फिलहाल पर्यटकों के लिए कल खुला रहेगा या फिर कुछ इस तरीके की अभी गाइडलाइन दी गई है कि प्रशासन की तरफ से? जी अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि जो जब इसमें ये इस बात की सूचना मिली कि भी पैनोरमा साइंस सेंटर के अंदर बम रखा गया या कोई इस तरह की संदिग्ध वस्तु रखी है, तो उसके बाद ही पैनोरमा साइंस सेंटर तथा साथ में जो कृष्णा म्यूजियम संग्रहालय है उन दोनों को खाली करा लिया गया था और उसके दोनों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए थे। उसके बाद पुलिस और जो बम स्क्वाड है, सीआईडी है, जो अन्य जो जांच एजेंसियां वो पहुंच गई थी और उन्होंने जहाँ जांच की तो उस समय आम लोगों का आना जाना बंद था, परंतु ये जो कल सुबह ही पुष्टि हो पाएगी कि ये इसको खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा या आगे का भी जांच जारी रहेगी, क्योंकि इसके साथ ही पुलिस अभी इसको इंटरनेट पर भी जांच करने जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रात की बात रही कि कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है, लेकिन अभी भी पुलिस की सतर्कता देखी जा रही है।